हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, PGHH मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंडर्ड ऑन कंसोलिडेटेड का, और साथ में कंपनी की ओर से 95 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड कर चुकी है कंपनी, और इसका अप्रूवल एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स पर, और लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। फिनांशियल ईयर एंडेड का रिजल्ट है क्योंकि जून क्वार्टर में इसका फिनांशियल ऑडिट होता है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के स्टैंड कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट पहले यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि गाइज नंबर्स इनकम की बात करें 939 करोड़ का मार्च 24 में, 1015.7 करोड़ का, और जून 23 में 862.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस हुआ 826.7 करोड़ का मार्च 24 में, 781.8 करोड़ का जून 23 में, 656 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया जबकि इनकम में डाउन था, लेकिन ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा किया गया, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और कंपनी के एक्सपेंस इस बार जो हुआ है ये हुआ है ट्रेडेड गुड्स मतलब स्टॉक इन ट्रेड के परचेज में कंपनी का एक्सपेंस हुआ 231.8 करोड़ का, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112.2 करोड़ का मार्च 24 में, 233.9 करोड़ का जून 23 में, 206.5 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 81 करोड़ का मार्च 24 में, 154.3 करोड़ का जून 23 में, 151 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। EPS 24.97 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइज कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का इनकम में भी डाउन है और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। अगर हम फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करें तो 24 में इस बार 4257.9 करोड़ का इनकम है, और 23 में 3958.4 करोड़ का इनकम में इंक्रीज किया है, लेकिन एक्सपेंस कंपनी का 3118.7 करोड़ का, और मार्च और 23 में 3119 करोड़ का, जो कि एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 939 करोड़ का, और 23 में 839.4 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 675 करोड़ का, 23 में 678 करोड़ का, लेकिन नेट प्रॉफिट डाउन हुआ। रीज़न क्या है? टैक्स, जो कि 264 करोड़ के इस बार चार्ज किया, जो कि पिछले 23 से 103 करोड़ का टैक्स इस बार बहुत ज़्यादा चार्ज किया, इसके कारण प्रॉफिट डाउन हुआ। EPS 207.95 रुपीज़ का है, जो कि इस बार का 23 से डाउन देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ओवरऑल रिजल्ट आया ना, बहुत वीक रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि कंपनी जो है क्वार्टर एंडेड में प्रॉफिट डाउन देखने को मिला गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम में डाउन हुआ, फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम इंक्रीज है बट टैक्स बहुत ज़्यादा पे करने के कारण प्रॉफिट में डाउन हुआ। और इसका जो रिजल्ट आएगा इस कंपनी का 4:350 PM में इसका रिजल्ट, मतलब मार्केट क्लोज होने के जस्ट कुछ मिनट बाद इसके रिजल्ट आए, इसलिए इसका इंपैक्ट इसके शेयर में नहीं पड़ा। 17,050 रुपीज़ पर शेयर क्लोज किया, 0.26% का प्रॉफिट है, 5 डे में 1.5% का लॉस है, 1 मंथ में 1% का लॉस है, और 6 मंथ में 8% का प्रॉफिट है। तो यार देखिए रिजल्ट जितना पेश किया, यहाँ से कंपनी जब वापस से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और 16,779 का सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही वीक पेज का। इसलिए गाइस अगर आप इसमें एंट्री करने का सोच रहे हो तो गाइस वेट कर लीजिए इस प्राइस तक, और अगर आप शेयर ले रखे हैं अगर कल के दिन नेगेटिव ओपन होता है गाइस तो आप इसे प्रॉफिट बुक निकल सकते हैं, और वेट कर सकते हैं इस प्राइस तक, और इस प्राइस से जब आएगी वापस आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।